तो जी बन रहे हैं पराठे, आलू दाउद की फरमाइश पे, और चाय भी बन रही है पता नहीं क्यों। तो जी सालन बस रेडी है, चाय बन गई है, ये लास्ट एक और ये दो पराठे रहते हैं बस। आज हम लोग सहरी बाहर करेंगे। सहरी रेडी हो गई है, शैतान है ये, शैतान जी नहीं। चाय भी है, आ जाएगी तो बीच में जगह बन जाएगी इसकी। रानू यहाँ फुल मजे में अपना सो रही है, रेस्ट कर रही है, इधर ही सोना है, इसको पसंद है, एंजॉय कर रही है, बहुत सारा एंजॉय। ये देखिए नाना पुपसा, नाना चिलिया, नाना पुपसा चिलिया चिलिया। ये इसकी फेवरेट जगह है, यहीं पे सोती है ये आके सुबह सुबह। तो ये कुछ इस तरह से ना सॉरी, उठो नाना, उठो नाना, इसको पता चल गया ना हम इसको लाड कर रहे हैं। तो ये ऐसी लेटी से नाना उठ जा, तो जी यहाँ से होता है दिन का आगाज शुरू। घर के सारे काम खत्म हो गए थे, मानों को दिया मैंने खाना, नमाज पढ़ी, सुकून आया नमाज पढ़ के, फिर घर चेक किया कि सब काम ख़त्म है। हाँ सब ख़त्म थे। आज मौसम अच्छा था, पंखे नहीं लगे थे, तो आज मैंने पौधों को खूब पानी दिया क्योंकि कल पानी नहीं आया था और इन्हें पानी नहीं दिया था। तो एक एक पौधे को चेक किया, सब पौधे ठीक थे, नई कलियाँ फूल भी खिले थे, सबको बारी बारी मैंने चेक किया और फिर ये सब ठीक थी। फिर मैं बैठी थोड़ी देर के लिए, फिर छत पर गई चूज़ों को देखने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आधे चूजे जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। फिर मैंने कहा ऊपर जाती हूँ उन्हें देखने के लिए, फिर उन्हें मैंने आज़ाद कर दिया, मैंने कहा घूमो फिरो छत पे, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खा गए हैं। फिर नीचे आई, खुद भी तलावत की और जो तलावत कर रहा था उसको भी साथ साथ देखा। मैंने कहा चलो खुद भी मैं तलावत कर लूँ। तो फिर तलावत के बाद हो गया आपसे गपशप का टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज है तीसरा रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गुजर रहा है। जैसा कि गप शप का टाइम वो भी आप लोगों से, तो आप लोग बताएं आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजर रहा है और क्या क्या किया आप लोगों ने, कैसे दिन गुजरे हैं, कैसी सहरियाँ गुजरी हैं। और बस अभी फ्री थी तो मैंने कहा आपको सुबह कर दूँ। ओ जी अजानें हो रही हैं, कल ये मामा लाई थी बड़ा प्यारा सा धनिया, इसको अभी साफ़ करके इसकी चटनी बना लेंगे। और मैं आज बना रही हूँ चिकन मंचूरियन और वेजिटेबल राइस, तो चलें बनाते हैं। ये इस ट्रे के ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल को फॉइल से कवर करके, अब मैं इसमें बीटरूट चुकंदर को कट करके रख रही हूँ, इसको करूँगी ड्राई और इसका बना लूँगी पाउडर। फिर उसका क्या करूँगी वो मैं आपको फिर बताऊँगी, और साथ इसके एक साइड में मैं छिलके भी ट्राई कर लूंगी क्योंकि ये भी काम में आ जाएंगे। ये देखें कोई ब्यूटी टिप्स या कुछ इस तरह से ही कुछ इसको इस्तेमाल करूंगी। तो अभी से रखते हैं धूप पे, धूप तब चली गई है, कल मॉर्निंग में अच्छी सी धूप आएगी। तो जी ये सब्जियां मैं देती हूँ आयशा जी को, वो कट कर दें। और चावल जो हैं वो इधर बन रहे हैं, कुछ ज़्यादा आज अफ्तारी में नहीं बना रही क्योंकि कोई कुछ खाता ही नहीं है, तो फिर ज़ाया करना बुरी बात है।
तो चलें सब्जियां रखती हूँ ऐसे ऊपर नीचे, और एक ये ले लेती हूँ, छुरी भी रख ली, और ये सब कुछ उठा के इसके अंदर, और चलते हैं दूसरे रूम में ताकि ये दूं कि सब्जी बना दे। माँ जान इधर आएंगी, उधर बाहर रख दूं सब्जियां, यहाँ रखती हूँ ये फिर बना दे। तो जी चीजें मैंने निकाल ली हैं जो मुझे मंचूरियन में यूज होंगी। तो चावल बन रहे हैं, अब बनाना स्टार्ट करते हैं मंचूरियन। तो जी ऑयल डाला, इसमें लहसुन डाल के इसको लाइट गोल्डन करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन हो फिर इसमें मैंने डाल दिया चिकन, आप बोनलेस लें, बोन वाला लें, जो इजी लगे वो ले लें। फिर इसमें मैंने मसाले वगैरह डाले थे, रेसिपी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पे मैंने बनाए चावल, चावलों को मैंने तड़के के साथ ही बनाया था, और वेजिटेबल्स को अलग से कुक करके वो मैंने डाला। तो चावल भी रेडी हो गए, मंचूरियन भी रेडी हो गए थे, अब इंतज़ार था अफ्तारी के। तो ये सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा काट लिया था, धो के साफ सुथरा किया, और अब इसकी चटनी बना के कोई 10 दिनों के लिए रख दूँगी, क्योंकि रोज़ाना इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ चटनी ताज़ी बनाई जाए। तो ये फ्रीज हो जाएगी क्यूब्स की शक्ल में, और लहसुन माँ इसलिए नहीं छीली क्योंकि ये देसी लहसुन है, थोड़ा सा छीला भी और थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है, इस पर बहुत सॉफ्ट होता है, आप लोग डाल सकते हो देसी लहसुन खाने में भी और चटनी वगैरह में भी। लाइट नहीं है, चटनी बनानी थी, ये भी इधर का उधर ही रह गया, कुछ बनता ही नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं देते, पता नहीं क्या मौत पड़ गई या लाइट वालों को। हमने लाइट ऑन की हुई है और इसमें हम काम कर रहे हैं, इधर भी लाइट ऑन है, कचनार साफ हो रही है, लाइट कहीं पे है ही नहीं। तो जी नीचे तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है, थक गई हूँ आज मैं लाइट के बिना काम कर कर के। बड़े मज़े की वीडियोस बनानी थी खाने की, पर जैसे कि लाइट नहीं है तो काम करके मैं ऊपर आ गई हूँ, थोड़ी सी रोशनी थी, थोड़ा काम भी ख़त्म हो गया है, हवा भी चल रही है और चूज़े खाना खा रहे हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ये नीचे रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, सो थंब से प्रेस कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन मेरी वीडियो को वीडियो की सबसे पहले आप लोग को मिले। और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, अब उड़ गई हैं, और शुक्र है अल्लाह का कि इतनी गर्मी नहीं है, घर में तो बिल्कुल भी नहीं लगती। हाँ घर से बाहर जाएं तो शॉपिंग वगैरह में लगती है, डर आता है कि बाहर कैसे जाएं ये ना हो गर्मी जो है हमें चिपक जाए और फिर हमारा दिमाग ख़राब कर दे। तो ये है कि बस प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख तो इतनी खास नहीं लग रही। सो रमज़ान अभी तक अच्छा गुजर रहा है, प्यारा गुजर रहा है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बन रहे हैं पकौड़े, और ये बन चुके हैं लाइट निश्ता काम हिश्ता, कुकर है लाइट आ गई है, ये अब चटनी बनाऊंगी, अनारदाना भी डाल दिया है।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टाइम बहुत ज़्यादा करीब ही था, तो फिर मैंने दोनों चीज़ों को डिश आउट किया, गर्मा गर्म इन्हें डिश आउट किया और इनकी वीडियो बना ली प्यारी सी। बस रोज़ा खुलने वाला था। तो जी चलते हैं रूम में और इसको रखते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इफ्तारी की, मिलते हैं इफ्तारी के बाद। तो जी आज फिर मैं छत पे आई तो ये देखे, आज फिर चांद निकला हुआ था। ये एक ही दिन की वीडियो नहीं है। ये देखे नमाज के बाद छत पे आए, आती हूँ तो इस तरह का व्यू होता है। और ये है चांद। तो जी मीठे की शदीद कमी हुई थी, दाऊद ने फिर कैंडीज ला के दी, वो खाई, फिर चीज़ फ्राइज बना के खाई। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।